तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो i3s और इस बाइक की चेंज करने वाले हैं हम प्लग लीड। ये जो हमारी यहाँ पे प्लग वाले कैप में जो लीड लगी रहती है इग्निशन कॉयल से जो आती है, ये वाली लीड हम करेंगे चेंज। चेंज कैसे करना है आप लोगों को ये बताएंगे। तो ये मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी पड़ गई है। ये देखो, ये हम ऐसे लगा रहे हैं तो यहाँ पे लग जा रही है, बट यहाँ पे इसकी जो जगह है ये जगह पे ये लॉक रहती है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से यहाँ पे इसे करके और अब प्लग में लगाएंगे तो ये देखो छोटी पड़ रही है, ये अब नहीं लग रही है। ये देखो नहीं लग रही है, तो ये छोटी पड़ गई है, तो इसलिए हम इसे करेंगे चेंज। तो चलो बताऊंगा आप लोगों को किस बाइक की आप लोगों की जो लीड है वो लगेगी, आगे आप लोगों को बताऊंगा। ये जो हमारी प्लग वाली लीड है जो हमारी बाटला कॉयल से आई है प्लग टॉप में लगती है, तो ये वाली लीड हमको करना है चेंज। तो इसका प्लग कैप मैंने खोल लिया, यहाँ से ये देखो कटी हुई है। तो क्या हो रहा है कि इसमें करंट वीक कर रहा था दूसरे जगह से, तो यहाँ से हमको क्या करना है, इस लीड को चेंज करना है। तो चलो इस लीड को कैसे चेंज कर सकते हैं बाटला कॉयल वाली, ये बताता हूँ आप लोगों को। तो उसके लिए जो हमको क्या क्या खोलना पड़ेगा सारी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। तो ये जो मैं लीड चेंज कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों को मैंने दिखाया ये छोटी पड़ रही है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से चेंज कर सकना है। सबसे पहले तो आप लोगों को लेफ्ट साइड का पैनल खोल लेना है, जो एक स्क्रू यहाँ पर है तो मैं इसे खोल लेता हूँ, और जो हमारा दूसरा स्क्रू है साइड पैनल का वो भी खोल लेना है। तो चलो ये वाला पैनल हम खोल के और इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये वाला पैनल आप लोगों को सीट पहले खोल लेना है, उसके बाद पैनल आप लोगों को खुलेगा, तो पहले आप लोगों को सीट खोल लेना है। तो यहाँ पे हम पैनल को निकाल लेते हैं बाहर। इस तरीके से हमारा पैनल निकल चुका है बाहर, पैनल को साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो पेट्रोल है तो पेट्रोल को ऑफ करना है, पेट्रोल वाली जो टी होती है उसे ऑफ करना है, और उसके बाद पेट्रोल पाइप जो हमारा लगा होता है ये निकाल लेना है ऑफ करके। पेट्रोल पाइप निकल गया, अब इसके बाद ये जो हमारी फ्यूल वाली, ये जो फ्यूल वाली वायर होती है इसे निकाल देना है, अलग कर देना है, जो हमारी स्विच से अलग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी 12 नंबर का पाना लगेगा तो इसे आप लोगों को खोल लेना है, जो हमारा टैंक वाला बोल्ट है 12 नंबर का, इसे खोल लेना है। और आप लोगों को तीन काम करना है, मतलब पहले पेट्रोल बंद करना है, पेट्रोल पाइप निकालना है, उसके बाद जो हमारा फ्यूल वाली वायर है उसे निकालना है, और उसके बाद ये बोल्ट खोलना है, ये खोलना है। अब इसके बाद इसकी टंकी कैसे निकालना है आप लोगों को वो बताता हूँ। ये पैनल अगर आप लोग चाहो तो खोल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो मत खोलना, मैं ऐसे ही निकालूंगा। अगर आप लोग चाहो तो सेम उसी तरीके से खुलेगा जैसे हमारा उधर का खुला था। तो इस तरीके से हम यहाँ से अलग कर लेते पैनल को, टैंक से अलग कर लिया, और अब हमारी ये टैंक उड़ गई, ये देखो ऊपर उड़ गई। अब इसके बाद इस टैंक को पकड़ के रखना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे एक पाइप लगा होगा, ये देखो ये पाइप लगा हुआ है, दो पाइप होते हैं बट इसमें एक ही पाइप लगा हुआ है। तो चलो ये वाला पाइप हमको निकालना पड़ेगा, तो चलो ये वाला पाइप हम निकाल लेते हैं। ये जो हमारा कन्वर्टर में लगता है वो पाइप है, तो यहाँ से हमने ये पाइप को, ये देखो ये निकाल लिया। अब इसके बाद इसकी टैंक को निकालना है बाहर, तो चलो मैं इसकी अब टैंक निकाल लेता हूँ। टैंक जो हमारी है बिल्कुल आराम से निकल जाएगी, ये देखो ये हमारी टैंक ये हो गई बाहर, इसमें सारा कुछ हमने खोल दिया था पहले ही। तो ये टैंक को हम साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद जो हमारी वायर है, वायर निकालते हैं, इसकी कैसे निकालना वो आप लोगों को बताते हैं वायर को। तो इस साइड में आना है, और यहाँ पे हमारी जो बाटला कॉयल है यहाँ पे लगी हुई है इग्निशन वाली कॉयल, ये तो ये वाली वायर को खींच लेना इस तरीके से, ये खींच लेना, यही वायर हमारी छोटी पड़ रही थी जो हमारी प्लग में लगती है। तो ये लीड को हमको निकालना है, देखो अगर आप लोग इसे बाहर निकालना चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो। ये दो वायर निकालना है आप लोगों को, देखना है हरी और ब्लैक, दो वायर होती इसमें, और यहाँ पे 8 की टी लगेगी, दो बोल्ट हैं 8 नंबर के। तो इसे खोल के आप लोग पूरा बाहर निकाल के लगा दो, अगर नहीं इस तरीके से नहीं खोलना है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ की रबर निकालना है इस तरीके से, ये रबर निकालना है, ये रबर इस तरीके से कॉयल से अलग करना है। उसके बाद वायर जो हमारी लीड है इसे घुमाना है, मतलब जैसे हम बोल्ट को खोलते हैं उसी तरीके से हमको इसे घुमाना है और खोलना है, खींचना नहीं, खींचोगे तो आपकी जो कॉयल है वो ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से इसको आप लोगों को सिर्फ घुमाना है और घुमा घुमा के इसे निकाल लेना, क्योंकि अंदर जो होता है एक स्क्रू होता है, हमारे जो कॉयल लगी हुई है ये वाली, इसमें एक स्क्रू होता है, तो ये स्क्रू से आप लोगों को क्या करना, वायर को खोलना है, खींचोगे तो टूट जाएगी। ये देखो ये निकल गई, घुमा घुमा के निकालना है, ये निकल जाएगी, ये निकल गई, ये लीड हम करते हैं चेंज। इसकी जो रबर है ये रबर को भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे फंसी होती है, वो हमारी जो नई वाली रबर लगाएंगे, शायद नई वाली जो हम
ये जो के वायर है, वायर लगाएंगे तो उसमें शायद रबर ना हो, इस वजह से ये रबर को हम निकाल लेते हैं। अगर उसमें नहीं होगी तो हमको यही लगाना पड़ेगा जो हमारी रबर है। तो ये जो लीड है हम करते हैं चेंज, नई लीड लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस बाइक की हम इसमें लीड लगा रहे हैं। तो चलो नई को अब ले लेते हैं क्योंकि ये हमारी ख़राब हो चुकी है। ये मेरे पास नई लीड जो हमारी किस बाइक की, आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो चलो ये जो लीड है स्विस कंपनी की है, काफ़ी बढ़िया कंपनी आती है स्विस। अब इसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस की तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस इसमें मिटा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों को किस किस बाइक की है, ये देखो जो हमारी यहाँ पे देखो बजाज चेतक और एलएमएल, और जो हमारी स्कूटर जो हमारी पुरानी वाली चलती थी पहले की जो बजाज की एलएमएल स्कूटर, ये सब की वायर ये जो लीड है ये है। तो आप लोग स्कूटर की लीड ले सकते हो, इसमें लग जाएगी। ये देखो ये इस तरीके से ये जो है, ये पहले क्या तो होता था पहले के बाइकों में जो हमारी स्कूटर थी उसमें प्लग कैप नहीं होता था, इस तरीके से एक आंकड़ा होता था वो प्लग में लग जाता था। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी लीड है, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोनों मैच कराता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं मैच करता हूँ और इसके यहाँ से लेता हूँ, ये देखो कितनी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ से ये इतनी ज़्यादा बड़ी है, इसे मुझे शायद काटना पड़ जाए बाद में, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहले क्या करता हूँ ये लीड को हम लगा लेते हैं, किस तरीके से लगाना है आप लोगों को ये बता देते हैं। तो यहाँ पर रबर तो इसमें लगी हुई है, चलो हमको रबर पुरानी नहीं लगाना पड़ेगी। तो किस बाइक की आप लोगों के पास, इसकी प्राइस की बात करें तो आप लोगों को प्राइस ये बहुत खींच के होगी तो 60-70 रुपए की ऐसे ही करीब होगी, मुझे शायद से सही से पता नहीं है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसे हमको वैसे ही चढ़ाना जैसे हमने इसको खोला था, सेम वैसे ही चढ़ाना है इसको। तो हमने इस साइड में घुमा के खोला था, तो अभी हमको क्या करना है, इसको टाइट करना है। टाइट कैसे करना, चलो मैं इसको लगा के घुमा लेता हूँ और उसके बाद में इसे टाइट कर लेंगे, घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगी। तो अभी शायद निकल गई, चलो वापस से हम इसमें ट्राई करते हैं एक बार, अंदर ताकत से इसको लगाना है और इस तरीके से घुमाते चले जाना, हल्की ताकत लगेगी और आप लोगों को इस तरीके से घुमाते चले जाना है पूरी वायर को। देखो ये बैठ जाएगी, लग जाएगी, यहाँ से इसे अलग करना है और यहाँ से घुमाते चले जाना है जब तक हमारी मजबूत ना हो जाए, मतलब टाइट ना हो जाए, जो हम लीड बदल रहे हैं प्लग वाली वो टाइट ना हो जाए जब तक हमको इसको चढ़ाते जाना है। अभी ये इतना हो गई, चढ़ गई, अब नहीं जा रही है, ये देखो नहीं जा रही है। तो चलो मैं इसको और थोड़ा सा चढ़ा लेता हूँ, अब नहीं निकल रही है, देखो खींच रहा हूँ निकल नहीं रही है। अब इसके बाद ये जो रबर हमारी मिली थी इसी में लगी हुई थी, तो इसे हम चढ़ा लेते हैं, जो हमारी कॉयल इग्निशन वाली जो हमारी बाटला कॉयल है उसमें लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमको उस साइड में ले जाना है प्लग की तरफ, ये वाली लीड को प्लग की तरफ ले जाना है और यहाँ का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो इसकी टैंक है, टैंक लगा लेते हैं, इसका जो पाइप वगैरह वो सारा कुछ लगाते हैं। चलो इसकी टैंक लेते हैं, ये हमारी टैंक है, तो टैंक को हम बैठा लेते हैं और इसमें टैंक हमारी दो रबर आगे होती है उसी के बीच में फंस जाती है, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसकी जो पाइप है, पाइप को लगा रहा हूँ मैं, पाइप जो हमारा निकला था वो लगा के इसको थोड़ा सा पैनल बाहर लेके बैठा देना है, जो हमने पैनल नहीं खोला था। अब इसके बाद जो इसका बोल्ट था 12 नंबर का वो लगाना है और उसे कर देना है टाइट। तो चलो वो बोल्ट को भी हम टाइट कर लेते हैं और उसके बाद आगे का जो काम है आप लोगों को वो बताते हैं। तो ये हमने टैंक वाला जो बोल्ट है ये टाइट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारी वायर थी फ्यूल वाली, पेट्रोल वाली, इसे हम अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब इसका जो पेट्रोल पाइप है वो लगा देंगे यहाँ से, ये पेट्रोल पाइप भी लग चुका है, पेट्रोल ऑन कर दिया। अब इसके बाद इसका जो साइड पैनल है, साइड पैनल हम लगा लेते हैं, साइड पैनल ये हमारा लग चुका है। अब इसके बाद इसके जो दो स्क्रू हैं वो लगा के पैनल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इसके बाद उस साइड में चलते हैं और प्लग वाली लीड वगैरह में क्या करना है आगे आप लोगों को बताते हैं। तो पहले हमारा पैनल लग चुका है, टैंक लग चुकी है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, देखो इसका जो पैनल सीट सारा कुछ लग चुका है, सीट नहीं लगी है, पैनल और टैंक। और इसके बाद ये जो हमारी वायर है, ये हमारी वायर है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको वायर को, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ से पहले निकालते हैं जो हमारी हॉर्न वाली वायर है उसके अंदर से लेते हैं इस तरीके से ये। अब इसके बाद यहाँ पर फंसाते हैं इसको, ये आंकड़े में इस तरीके से फंसाना, और इसके बाद ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कट करना पड़ेगा, इस जगह से कट कर लेते हैं। तो चलो प्लास लेते हैं और प्लास से इसे हम कट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ से आपको कट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, बड़ी रखो, बट मैं इसे कट करूँगा। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं इतनी,
ये कट कर लिया, ये वायर हमारी अब किसी काम की नहीं, इसे रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ से कट किया है, अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर बैठ रही है, लग जा रही है। तो अब इसका जो प्लग टॉप था वो हम लगा देते हैं, ये इसको भी सेम उसी तरीके से चढ़ाना है। ये यहाँ पे देखो स्क्रू है, ये स्क्रू यहाँ पे लगाना है वायर में और इसको घुमाते चले जाना है, इस तरीके से घुमा घुमा के इसे चढ़ा देना है। जो हमारी लीड है, लीड में ये टाइट हो जाएगा, जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग कैप भी इसको बोलते हैं, टॉप भी बोलते हैं, तो इसे हम टाइट कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा हो चुका है टाइट, अब ये हमारा प्लग में बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। तो चलो हम इसे बैठा लेते हैं, देखो अभी भी बड़ी पड़ रही है, मैंने इतना काटा फिर भी ये बड़ी पड़ रही अभी भी, तो मैं इसे अब नहीं काटूंगा, लगा ही दूंगा। तो यहाँ पे इसे हम इस तरीके से लगा दिए, थोड़ा सा प्रेस करना प्लग में बैठ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, ये बस बस हमारे प्लग कैप लग चुका है, लीड इसकी हमने चेंज कर दी है, ये इतनी बची है तो ये कोई काम की नहीं है। बाकी चलो अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं, चाबी को लगाते हैं और करते हैं स्टार्ट बाइक को, आप लोगों को दिखा देते हैं। ये देखो ये एक मिनट चाबी नहीं कट रही है, तो चलो मैं इसे काट रहा हूँ, ये बस हो गया। अभी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, चलो एक सॉरी, एक चीज़ हमने इसमें लगाना भूल गया हूँ मैं, उसके लिए सॉरी, बट आप लोगों को लगा लेना है। मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बताया था कि जो वायर हमारी इग्निशन कॉइल वाली, वो वायर मैंने निकाला था, वो वायर मैंने लगाया नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले स्क्रू को खोल के और पैनल जो हमारा वो बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हो जाती है भूल, ऐसा नहीं है, हर किसी से हो जाती है। तो अभी मैंने उसको आप लोगों को वो जो वायर निकाला था, मैं निकालता तो हूँ नहीं, बट मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, अगर आप लोग उस तरीके से लगाना चाहो बाहर निकाल के तो आप लोग लगा सकते हो। तो इस वजह से मैंने दोनों वायर निकाला था यहाँ पे, ये देखो बस हमको कुछ नहीं खोलना पड़ेगा, यहीं पे लग जाएगी ये जो हमारी बाटला कॉइल वाली वायर थी, वो दोनों हमने नहीं लगाया था। तो चलो मैं लगा लेता हूँ हरी वाली को, हरी में अटैच कर देता हूँ, और जो हमारी ब्लैक वाली है, ब्लैक जो हमारी काली वाली वायर है, काली वाली वायर को, हमारी जो काली वाली वायर वो ऊपर लगेगी, जो हमारी हरी वाली वायर है वो नीचे लगेगी। तो इसको हम लगा लेते हैं और उसके बाद अब हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि करंट नहीं आ रहा था, वायर लग गई थी, अगर वायर नहीं लगी होगी तो हमारा जो करंट है वो नहीं आएगा प्लग वाली लीड में। तो हमने वायर लगा ली, अब देखना बाइक वन किक में स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो स्टार्ट हो गई। तो हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, हमारी जो लीड है वो कंप्लीट हमने चेंज कर दी है और सारा कुछ बिल्कुल सही हो चुका है, बाइक भी स्टार्ट हो रही है, करंट वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो लीड हमने चेंज कर दी, ये जो पुरानी वाली लीड थी ये कैसे चेंज करना है आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दी, क्योंकि ये लीड जो छोटी पड़ रही थी और ख़राब भी हो गई थी, आगे से कट गई थी। बाकी ये वीडियो करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।